दोस्तों हाउ टू प्ले अगेंस्ट D4 इस सीरीज में ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। क्लासिकल वेरिएशन क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड D4 हमें खेलना है D5। ब्लैक रिप्लाई देता है C4, देन पॉन टेक्स पॉन। ये दोस्तों आज मैं क्लासिकल वेरिएशन के मेन मूव्स बताऊंगा, उसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं और सभी वेरिएशन आज आपको सिखा दूंगा। तो D into C4 के बाद मेन जो क्लासिकल लाइन है Knight F3। ब्लैक से रिप्लाई देना है Knight F6। व्हाइट खेलता है E3, यहाँ पे Bishop takes C4, यहाँ हमें रिप्लाई देना है E6, Bishop C4 और यहाँ आपको खेलना है C5। अब देखो पॉन टेक्स पॉन ये बहुत ही बैड मूव होगा क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन और कैसल भी ब्रेक होता है। व्हाइट यहाँ पे कैसलिंग करेगा C5 के बाद और यहाँ हमें खेलना है A6। दोस्तों ये हो गई हमारी टोटल सिक्स्थ मूव। फिर से रिपीट कर दो एक बार, D4 ओके D4 D5 C4 पॉन टेक्स पॉन Knight F3 Knight F6 E3 E6 Bishop takes C4 और C5 Knight F3 कैसल और A6। इतने मूव्स आप भूल भी नहीं सकोगे, एकदम इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम इजीली आपको याद रह जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट है। बस एक मूव याद रखनी है आपको C5 की, कि C5 मूव कब करना है। यहाँ हो जाते हैं 6 मूव कम्प्लीटेड। तो दोनों के 6 मूव होने के बाद व्हाइट का 7th अल्टरनेटिव वो क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाइट Knight BD2। दूसरा है अल्टरनेटिव 7th मूव में Knight C3। सबके रिप्लाई अलग है, ध्यान रखना। तीसरा जो है व्हाइट का अल्टरनेटिव A3। फोर्थ जो अल्टरनेटिव है B3 और E4। D into C5 भी हो सकता है एक्सचेंज, Bishop D3 भी हो सकता है यहाँ पे, बिशप रिटर्न करके किंग साइड अटैक। चलिए सभी वेरिएशन, A4 भी हो सकता है, मैं एक मूव मिस कर दिया यहाँ पे A4 और Bishop B3। कितनी सारी चॉइसेस है यहाँ पे 7th मूव में। Queen E2 एक ये भी चॉइस है। तो यहां तक के सभी रिप्लाई आप नोट डाउन कर लीजिए, 6 मूव ऊपर लिख लीजिए बुक में आपके, जो एक ही लाइन में आप लिख सकते हो क्योंकि वो 6 मूव के बाद ही सारे चेंजेस हैं। तो चलिए पहले हेडिंग दे दीजिए ए वेरिएशन, ए मतलब व्हाइट 7th मूव Knight BD2। यहां पे आपको करना है C takes D4। व्हाइट रिप्लाई देगा Knight takes D4, उसके बाद आपको रिप्लाई देना है Bishop D6, Knight 4 F3। Knight 4 F3 क्यों, Knight 2 वाला F3 क्यों नहीं? Knight 2 वाला F3 अगर होता है तो यहां पे ब्लैक को स्लाइट एडवांटेज है। यहां आपको कर देना है E5। तो Knight 4 वाला F3 आता है मेन लाइन में, ये परफेक्ट मूव है। उसके बाद आपको कर देना है कैसलिंग। अब व्हाइट डास्टर भी सबको ओपन करने के लिए B3 खेलेगा और यहां आपको खेलना है B5। तो ये हो गया आपका पहला NBD2 वाला वेरिएशन कंप्लीटेड। अब देखते हैं Knight C3। ओके, यहां पे व्हाइट 7th अल्टरनेटिव में आपको लिखना है B Knight C3। Knight C3 के रिप्लाई में आपको देना है B5। क्या चेंजिंग हुआ Knight D2 और Knight C3 में, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जब व्हाइट Knight D2 करता है तो यहां आपको खेलना है पॉन टेक्स पॉन, Knight C3 करता है तो यहां आपको रिप्लाई देना है B5 विथ अटैक।
व्हाइट खेलेगा बिशप डी थ्री, यहां आपको खेलना है बीबी सेवन। सी फोर जल्दी से करने की जरूरत नहीं है वरना सेंटर कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। डी इंटू सी फाइव, यहां सिंपल बिशप टेक्स सी फाइव। अब डी इंटू सी फाइव नेचुरल मूव है क्योंकि कभी भी हम सी फोर की थ्रेट दे सकते हैं, होल्ड पे रखा है। बिशप सी फाइव के बाद व्हाइट रिप्लाई देता है क्वीन ई टू। क्वीन ई टू का आइडिया ये है कि ई फोर पे कंट्रोल है, ई फाइव पे कंट्रोल है, रुक डी वन भी आ सकता है उसके बाद, नाइट भी डी सेवन आपको खेलना है यहाँ पे, और व्हाइट यहाँ रिप्लाई देगा ई फोर, और यहाँ एक बेस्ट चॉइस है क्वीन बी एट। क्वीन बी एट ये एक हिडन मूव है, यहाँ पे आप पूरा कंट्रोल करते हो, जैसे कि ये बिशप को आने से रोक रहे हो एफ फोर पे, और पूरा एच टू बी एट डायगोनल आप कंट्रोल करते हो। ओके, ये थी नाइट सी थ्री वाली मूव। चलिए सेवन मूव में तीसरा अल्टरनेटिव आप लिख लीजिए सी वेरिएशन, जिसमें व्हाइट खेलता है सेवन ए थ्री। आगे के सिक्स मूव पहले एकदम रट्टा मार लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ए थ्री के रिप्लाई में आपका आएगा बी फाइव, बिशप ए टू, ए थ्री। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि ए थ्री मूव क्यों खेलता है व्हाइट, क्योंकि उसे पता है कि हम बी फाइव करेंगे तो वो बिशप को ए टू पे ले जाके इस डायगोनल में कंटिन्यू रखेगा। यहां भी आपको रिप्लाई देना है बिशप बी सेवन। अब व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट सी थ्री, नाइट बी डी सेवन, उसके बाद व्हाइट खेलेगा डी फाइव, और यहां आपको ई टेक्स डी फाइव एक्सचेंज कर लेना है नाइट टेक्स डी फाइव, और यहां आपको खेलना है सी फोर। आफ्टर नाइट टेक्स नाइट सिंपल गेम इक्वल ही रहेगी, ब्लैक के फेवर में स्लाइट एडवांटेज है। चलिए यहां पे आप सिर्फ सी फोर तक लिख सकते हैं। अब मैं वेरिएशन नंबर डी पे आता हूं, आपको डी वेरिएशन में क्या लिखना है, बी थ्री। कुछ लोग डायरेक्ट बिशप बी टू का प्लानिंग में रहते हैं, बी थ्री में आपको पॉन टेक्स पॉन मार देना है। अब देखो कब पॉन मारना होता है और कब बी फाइव करना आता है, ये सारे मूव आपको ध्यान से तैयार करने होंगे। नाइट डी फोर यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे बिशप डी सेवन, व्हाइट खेलेगा बिशप बी टू, उसके बाद नाइट सी सिक्स, बी डी सेवन का प्लानिंग है, हम नाइट एक्सचेंज के लिए रखते हैं। अब व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट डी टू, और यहाँ पे आपको सिंपल बिशप ई सेवन करके खेलना है। कंप्लीटली इक्वल गेम है और पोजीशन दोनों की ओर से बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी डी ई, मतलब फिफ्थ वेरिएशन। एक ही वीडियो में आपको सारे वेरिएशन बताऊंगा मैं। ई में व्हाइट खेलता है ई फोर, यहां व्हाइट पॉन सेक्रीफाइस करता है ई फोर। अब देखो नाइट टेक्स ई फोर में रुकी वन और कुछ प्लानिंग है व्हाइट का इसमें, यहां पे हम खेलेंगे बी फाइव, बिशप डी थ्री, अब वो पॉन को सपोर्ट करेगा, और यहां आपको सिंपल बीबी सेवन करके प्रेशर बढ़ाना है। बिशप जी फाइव नाइट क्वीन कर सकता है यहां पे आपके नाइट को, तो सिंपल खेलना है बिशप ई सेवन, उसके बाद ई फाइव व्हाइट खेलेगा, और यहाँ पे आपको खेलना है नाइट डी फाइव, और ये भी काफी जबरदस्त स्ट्रक्चर है ब्लैक की ओर से। इक्वल गेम दिख रही है यहाँ पे दोनों की ओर से, माइनस जीरो। चलिए एफ वेरिएशन, वेरिएशन नंबर सिक्स, ए सिक्स के बाद बिशप डी थ्री डायरेक्टली व्हाइट खेल, तो इसके रिप्लाई में आपको देना है नाइट बी डी सेवन, क्योंकि अब बी फाइव का कोई अभी इनिशियल मीनिंग नहीं है, टेम्पो के साथ कोई मूव नहीं है, आर ई वन, उसके बाद आपको खेलना है बी सिक्स नॉट बी फाइव, यहां होल्ड करो। अब व्हाइट खेलेगा ई फोर, आर ई वन का प्लानिंग है सेंटर पे अटैक करना, उसके बाद आपको पॉन टेक्स पॉन मार देना है। व्हाइट रिप्लाई देगा ई फाइव,
और यहाँ आपको खेलना है नाइट डी फाइव, आफ्टर नाइट टेक्स डी फोर यहाँ आपको खेलना है नाइट सी फाइव। नाइट सी फाइव पॉन के सपोर्ट से और बिशप पर अटैक। व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप एफ वन और यहाँ पर आपको सिंपल खेल देना है बिशप बी सेवन। ओके बिशप एफ वन ही क्यों, अगर बिशप सी टू किया तो यहाँ पे आपके पास एक और भी बढ़िया चॉइस है नाइट सी फोर। चलिए अब आते हैं वेरिएशन नंबर जी। बिशप डी थ्री के बदले डी इंटू सी फाइव एक्सचेंज वेरिएशन, यहां आपको क्वीन एक्सचेंज करनी है आफ्टर रूक टेक्स क्वीन फिर बिशप टेक्स सी फाइव। व्हाइट खेलेगा बी थ्री और नाइट बी डी सेवन, इस पोजीशन से खेलना है। देखो सारे वेरिएशन में मैं आपको पोजीशन ठीक करके देता हूं ना कि आपको विनिंग करके देता हूं, ये ध्यान रखिए। एच वेरिएशन देखते हैं, सभी मूव नोट डाउन करके आप अपनी हिसाब से तैयार कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। क्लासिकल के सारे मूव अगर आपको पता चल गए हैं तो आप अच्छी तरह से गेम खेल सकते हैं। चलो एच वेरिएशन में व्हाइट ना तो ए थ्री करता है ना बी थ्री करता है, यहाँ पे डायरेक्टली ए फोर। ए फोर में कोई आपको पॉन नहीं खेलना है, नाइट डेवलप करना है, नाइट सी सिक्स प्रेशर ऑन डी फोर। व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन ई टू, उसके बाद आपको पॉन टेक्स पॉन सी डी फोर और उसके बाद व्हाइट रिप्लाई देता है रूक डी वन पिनिंग करता है। यहाँ आपको सिंपल बिशप ई सेवन खेलना है और व्हाइट यहाँ पे ई डी फोर करेगा पॉन टेक्स पॉन और उसके बाद आप कर लो सिंपल कैसलिंग नाइट सी थ्री, ये नेचुरल मूव है सारे। यहाँ पे आपको खेलना है नाइट बी फोर आइडिया नाइट टू डी फाइव। व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप जी फाइव और यहाँ आप खेल सकते हो रुक बी एट। रुक बी एट के बाद बी फाइव वगैरह प्लानिंग कर सकते हो। अब देखते हैं आई वेरिएशन, जिसमें सेवंथ मूव में मैंने आपको बताया कि बिशप डी थ्री के बदले व्हाइट यहाँ पे बिशप बी थ्री पे ले समझ लो, डी थ्री के बदले बी बी थ्री। अब आपको यहाँ पे बी फाइव करना है, अब व्हाइट ब्रेक लेगा ए फोर से, यहाँ पे आपको पॉन सी फोर नहीं बी फोर खेलना है। बी फोर इसलिए कि नाइट सी थ्री नाइट ए थ्री सब कुछ होल्ड करता है। यहाँ पे व्हाइट ट्राई करेगा ई फोर सेंटर अटैक करने के लिए, तो आपको ई फोर नहीं मानना है सी इंटू डी फोर। तो ये वेरिएशन हो गए आपके पास आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब एक ही वीडियो में मैंने टोटल नाइन वेरिएशन आपको दिखा दिए। मेरे अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा क्लासिकल वेरिएशन सेवंथ क्वीन ई टू, नहीं चलिए आज ही देख लेते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे वेरिएशन है मुझे दिखाने हैं, यहाँ पे हम क्वीन ई टू वाला भी बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे व्हाइट क्वीन ई टू करता है सेवंथ, तो यहाँ आपको रिप्लाई देना है बी फाइव। व्हाइट खेलेगा बिशप डी थ्री, यहां आपको पॉन टेक्स पॉन सी डी फोर, व्हाइट रिप्लाई देगा ई डी फोर, उसके बाद बिशप ई सेवन, व्हाइट खेलेगा ए फोर पॉन ब्रेक के लिए, बी क्रॉस ए फोर रुक क्रॉस ए फोर, यहां पॉन मार देना है कोई दिक्कत नहीं है आपको, और उसके बाद बिशप डी सेवन और रुक ए वन। चलिए एट मूव में जब आप खेलते हो बी फाइव तब व्हाइट अगर बिशप बी थ्री जाता है डी थ्री के बदले तो आपको यहां पे पॉन मारना नहीं है, बिशप बी सेवन खेलना है। उसके बाद व्हाइट के पास बेस्ट चॉइस होती है ए फोर पॉन ब्रेक की, यहां भी आपको खेलना है बी फोर नाइट बी डी टू नाइट बी डी सेवन, ऐसे गेम कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद व्हाइट खेलेगा ए फोर
और यहाँ पे आपको सिंपल बिशप e7। ओके, इतने मूव्स कंप्लीट हो गए दोस्तों, पूरा क्लासिकल वेरिएशन खत्म हो गया। तो क्वींस गैम्बिट के अगेंस्ट मैंने सारे मूव्स बता दिए, ये मेरा फिफ्थ वीडियो है। तो सभी वेरिएशन आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा व्हाइट डज नॉट प्ले c4, मतलब क्वींस गैम्बिट व्हाइट नहीं खेलता है तो आपको क्या करना है। जब आप d5 करते हो तो व्हाइट c4 नहीं करता है क्योंकि आपने तैयारी की है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड की। अब डिफरेंट टाइप की जो भी अटैक है, जो भी लाइन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। इसीलिए d4 अगेंस्ट के सारे वीडियो आप मिस मत कीजिए, एक भी वीडियो मिस मत होना चाहिए। ऑक्सन अटैक देखेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके बाद देखेंगे वर्सो अटैक, लंदन सिस्टम, पोलिश सिस्टम, किंग्स फियान चट्टो, टोर अटैक और ब्लैक मार टाइमर गैम्बिट। इस सारे वेरिएशन में आपको दिखा दूंगा, आपकी d4 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप खेल सकोगे। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।